एवरी वन वेलकम टू एम्बीशन लॉ इंस्टीट्यूट एम आस्था सिंह एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम लीगल मैगजिम्स डिस्कस कर रहे हैं तो आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे मैगजीम्स डिस्कस करने वाले हैं तो पहले जान लेते हैं कि हम आज की वीडियो में कौन से मैगजिम्स को डिस्कस करेंगे so the maxims that we will be discussing in today's video is going to be prima facie अब ये maxim ना हमने कई बार सुना है on the face of it भी कहते हैं इसे तो आपको अगर याद हो तो कई बार कोर्ट रूम्स में या कहीं पर बोल भी दिया जाता है कि इस चीज़ का prima facie क्या है या फिर कैसे है और फिर obiter dictum भी एक maxim है जो हम आज की वीडियो में discuss करने वाले हैं so let's start our video तो पहला जो मैक्सिम जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है प्राइमा फेसाई अब ये ना एक लेटिन टर्म है तो हमें याद रखना है कि और इसका मतलब क्या होता है ऑन द फेस ऑफ इट यानी चीज हमें पहली बार पता चली, या फिर जाना या फिर में आ चली, जब हम बात करें तो पहली बार जब कोई चीज पता चलती है तो ऑन द फेस ऑफ इट वो क्या है उसे कहते हैं प्राइमा फिसाई अब एक बार इसको पढ़ते हैं मीनिंग को अ मैटर दैट अपियस टू बी सफिशली बेस्ड इन दू बी कंसिडर ट्रू यानि की जब हमें कोई चीज पता चली तो प्राइमा फैसा क्या हमें पता चला की वो सही है प्राइमा फैसा उस समय के लिए उसको हम सही मानते हैं द टर्म इज डिराइव फ्रॉम अटिन वर्ड विच मींस एट फर्स्ट साइड और एट फर्स्ट व्यू अब देखो इसको आप ना ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे समझ पाओगे कि आप मान लो कि ट्रायल जब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा ना तो फिर बाद में उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये तब डिसाइड करी जाएगी लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मान लीजिए कोई क्राइम कमिट हो गया और कुछ एविडेंसेज मिल गए वहां पर तो पुलिस ने क्या करा उन एविडेंसेस को कलेक्ट कर लिया तो आप ऑन द फेस ऑफ इट क्या वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि कोई क्राइम कमिट हुआ है या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ने वो करा है तो प्राइमा फैसाई क्या है का वो है कि ऑन द फेस ऑफ इट हमें वो पता चल रहा है लेकिन अब उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है एविडेंसेस की की या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन वो कब पता चलेगा जब ट्रायल शुरू हो जाएगा और चीजें आगे बढ़ेंगी केस प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट क्या लग रहा है उसकी बात हो रही है सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फेस और वी कैन से दिस मैगजिम दैट प्राइम ऑफ सो द नेक्स्ट मैग्जिम दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ इज ओबिटर डिक्टम अब ओबिटर डिक्टम ना ये भी एक लेटिन फेज है और इसको ओबिटर डिक्टा से आप कंफ्यूज मत करना दोनों अलग अलग हैं ओबिटर डिक्टम अलग है और ओबिटर डिक्टा अलग है अब ओबिटर डिक्टम का मीनिंग होता है दैट विच इज सेड इन पासिंग अब कोई भी ऐसा टर्म ना कोर्ट में जब पासिंग रेफरेंस में बोल दिया जाता है यानी कि उसका कोर्ट के ऑर्डर से या फिर किसी और चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता है वो उससे ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि क्या आएगा क्या नहीं बस एक पासिंग रेफरेंस में कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया तो उसको हम कहते हैं उस फेस को को स्टेटमेंट हम कहते हैं ओबिटर डिक्टम तो इसका मीनिंग समझते हैं एक बार ओबिटर डिक्टम लेटिन फेज है ये हमने जान लिया इसका मतलब होता है दैट विच इज सेड इन पासिंग मतलब पासिंग रेफरेंस में कुछ बोला गया हो एंड इंसिडेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिकली इन लॉ का स्पेसिफिकली लॉ में इट रेफर्स टू अ पैसेजना जुडिशियल ओपिनियन क्या है एक पैसेज है जुडिशियल ओपिनियन है ठीक है एक पैसेज है उसमें क्या है जुडिशियल ओपिनियन विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ द केस क्या है ये नेसेसरी नहीं है किस चीज के लिए डिसीजन ऑफ द कोर्ट के लिए ठीक है तो एक पासिंग रेफरेंस में है ये आपको बात समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है एक बार फिर से पढ़ लो आप इसे इट रेफर्स टू तो अ पैसेज क्या है पैसेज है ना जुडिशियल ओपिनियन कब है जुडिशियल ओपिनियन में विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ द केस बिफोर द कोर्ट कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है एक ओपिनियन है बस वो पासिंग रेफरेंस में बोला गया है सच स्टेटमेंट्स लैक द फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट बट मे नेवर द लेस बी सिग्निफिकेंट तो डिक्टम क्या है एक लेटिन फेज है जिसका मतलब होता है दैट विच इज सेड इन पासिंग पासिंग में और इसका जब कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है या कोर्ट की कोई चीज है वो मैटर नहीं करती है उस वो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगी वो बस पासिंग रेफरेंस में बोली गई है सो दैट इज ओबिटर डिक्टम एंड अगेन आपको ओबिटर डिक्टम और ओबिटर डिक्टा के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है दोनों दो अलग अलग टर्म्स हैं ओके एवरी वन सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो आज के वीडियो में हमने दो मैगजीन पढ़ ली है प्राइम ऑफ और ओबिटर डिक्टम और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो वी विल बी सीइंग यू इन आर नेक्स्ट वीडियो विद अदर मैगजीन्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग